सर्वाइकल का आयुर्वेद में है पूरा इलाज, इस विषय पर मैं आपके सामने एक अपना व्यू रखूंगा। मैं डॉक्टर रणबीर शर्मा पानीपत से, और आपसे एक अपेक्षा जरूर रखूंगा कि जो भी मेरी वीडियो देखें उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी जरूर करें, ताकि आयुर्वेद का जो बेसिक ज्ञान है वो लोगों तक पहुंच सके और लोग सही मायने में आयुर्वेद को जान सकें और आयुर्वेद में क्या क्या होता है उससे फ़ायदा उठा सकें। सर्वाइकल के बारे में जैसे एक धारणा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने बनाई हुई है या उनके चिकित्सकों ने बनाई हुई है कि सर्वाइकल अगर एक बार हो गया तो वो जीवन भर कभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता, ये बहुत ही भ्रामक एक कथन है, भ्रामक एक प्रचार है और लोगों को एक मानसिक रूप से रोगी करने का एक बहुत बड़ा एक साध कारण ये बन चुका है। क्योंकि जब आदमी को ये लगता है कि कोई रोग तेरा पूरा जीवन भर पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगा, तो उसके माइंड में, उसके मन में कहीं ना कहीं हर समय उसका एक संशय सा बना रहता है कि कब उसकी गर्दन स्टिफ हो जाएगी, कब उसके सिर में दर्द हो जाएगा, कब उसको उल्टी की टेंडेंसी बन जाएगी, कब उसको घबराहट हो जाएगी, कब उसको चक्कर आने लग जाएंगे। वो अनश्योर हो जाता है अपनी लाइफ के अंदर, अनसिक्योरिटी फील करता है। कहीं भी जाता है तो 10 बार सोचता है, कुछ खाता है तो 10 बार सोचता है, और फिर उसके आगे की बात ये सोचता है कि उसके दिमाग में कभी ये नहीं होता कि अगर ये हुआ तो तू करेगा क्या, किस चिकित्सक के पास जाएगा। वो भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयाँ खाता रहता है और इसके चक्कर में कई बार तो ऐसी दवाइयाँ खाता रहता है कि जिससे शरीर में जो रोग नहीं होना था वो भी हो जाता है। जब ज़्यादा दवाइयाँ वो पेन किलर लेगा, और जो हमारी वर्टाइगो के लिए जो एलोपैथी की दवाइयाँ काफ़ी सारी आती हैं वो खाएगा, और पेन किलर खाएगा और साथ में एंटासिड खाएगा, तो उसे काफ़ी सारी परेशानियाँ ऐसी हैं जो शरीर में नहीं होनी थी लेकिन वो होंगी आगे आने वाले समय में। तो आयुर्वेद में इसके बारे में क्या विचार है? आयुर्वेद में मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि सर्वाइकल का 100% अनुभव जन्य इलाज है। मतलब मैंने अपने 29 साल के अनुभव में अनेकों रोगियों को चैलेंज के साथ आयुर्वेद का कंप्लीट ट्रीटमेंट मैंने दिया है, और बहुत सारे रोगी, ज़्यादा नहीं तो मैं ये आप कह सकता हूँ कि 70-80% रोगी जो है वो तो सिर्फ 5 दिन में ही ठीक हो जाते हैं, और जो 10-20% जो ऊपर वाले हैं उनमें से 10-15% रोगी ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम 15 दिन का टाइम लेते हैं। सिर्फ 5% जो रोगी होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम प्लस माइनस होता है, वो भी तब होता है कि रोगी क्रोनिक हो, ज़्यादा पुराना हो, या रोगी ठीक से परहेज ना करें, ठीक से दवाई का सेवन ना करें, तो उन परिस्थितियों में सिर्फ 15 दिन से ज़्यादा का समय लगता है। और 5 से 15 दिन के अंदर 90-95% रोगी जो वो कंप्लीट क्योर हो जाते हैं, ये मेरा पूरा अनुभव है। और दोबारा ये रोग 99% बहुत कम आता है, लेकिन जब भी जैसे बुखार है, खांसी जुकाम है, तो उस तरीके से कभी कभी आता है, तो उसमें वही थोड़ी सी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा गर्दन की मालिश है, और साथ में अगर 5-7 दिन की दवाई रोगी ले लेता है तो उसको कभी भी कोई दिक्कत किसी किस्म के नहीं आती। और जिससे वो सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो रोग से तो बचता ही बचता है, लेकिन इस रोग के प्रभाव से जो बॉडी के अंदर उसको एक अनसिक्योरिटी, अनसेफ्टी की जो फीलिंग, जो भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है, और जिससे कई बार तो ये डाउट हो जाता है कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, कहीं मुझे जो अपना जो माइंड की कोई ऐसी प्रॉब्लम, जो दिमाग की जो कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, दिमाग में कोई ट्यूमर या दिमाग में कोई ऐसी नस तो नहीं दब गई है, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे डॉक्टर्स, हमारे चिकित्सक हैं वो भी डाउट डालते रहते हैं, तेरी नसें कमज़ोर हो गई हैं, तेरे दिमाग में कोई कमी आ गई, तेरी नस दब गई है, तो इस तरह के जो भ्रामक जो एक विचार हैं उनसे भी वो रोगी बच जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सर्वाइकल का रोगी, उसको नींद अच्छी नहीं आती है, वो हमेशा अनिद्रा का शिकार रहता है। तो और जो आदमी अनिद्रा का शिकार रहता है उसको कोई रोग दुनिया में ऐसा नहीं है जो उसको ना हो सके। तो इसलिए सर्वाइकल का जो हमारा आयुर्वेदिक जो इलाज है उससे सर्वाइकल तो ठीक होता ही होता है, उसकी ज़िंदगी भी बहुत आसान, बहुत सुगम हो जाती है, और वो अपने जीवन के अंदर यहीं पर ही एक आनंद अनुभूति की करता है, और जिससे वो बहुत मतलब एक अच्छा जीवन जी सकता है। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि सर्वाइकल को अनक्योरेबल ना माने, इसको असाध्य ना माने,
इसको ऐसा ना माने कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ये पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है, लेकिन ठीक चिकित्सक से संपर्क करें और ठीक से इसका इलाज करें, तो ना तो इसका इलाज बहुत महंगा है और ना ही बहुत लंबा है, बहुत आसानी से और बहुत थोड़े पैसे में इसका कंप्लीट इलाज हो जाता है। यही मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो के माध्यम से बताना था। धन्यवाद।